लुंगी एंगड़ी, इमरान ताहिर, फाफ डुप्लेसी और कागिसो रबाडा इस आईपीएल का हिस्सा होंगे? ये सवाल आपको बहुत ही चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन बिल्कुल है हकीकत, क्योंकि इनके भाग लेने को लेकर एक सस्पेंस खड़ा हो गया था, खासकर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को लेकर आईपीएल में। जी हाँ, साउथ अफ्रीका स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट पर करप्शन के चार्जेस के तहत उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था, उनको सस्पेंड कर दिया था इस बॉडी को। उसके बाद से कई तरह के सवाल, अनुत्तरित सवाल जो है वो खड़े होने लग गए कि क्या आईपीएल में इस बार साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भाग ले पाएंगे। जी हाँ, आईसीसी के हाथ में अब बहुत कुछ निर्भर करता है कि अब आईसीसी फैसला लेगा कि अगर साउथ अफ्रीका क्रिकेट को निलंबित किया जाता है तो क्या साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी आईपीएल में भाग ले पाएंगे। ये एक यक्ष सवाल है। जहां हम आपको स्पष्ट कर दें कि आईपीएल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खासकर तीन दिशाओं में चलता है। पहला, खिलाड़ी की तरफ, खिलाड़ी का सीधा कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा, खिलाड़ी से संबंधित जो बोर्ड होता है उससे भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि जो उसको राशि मिलती है उसकी 20% जो राशि है वो बोर्ड के पास जाती है। और तीसरा, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल उसमें शामिल होती है। तो इस तरह से इन तीनों के तालमेल से आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तय होता है। तो आईसीसी ऑफिशियल जो है, लेकिन अब उसने ये कहकर बहुत राहत पहुंचाई है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका इस बारे में अंतिम फैसला लेगा और आईपीएल को लेकर जो आईसीसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आईपीएल का एक घरेलू टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट उसने कहा है। तो इसलिए जो तमाम जितने फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनकी जान में जाना ही है आईसीसी के प्रवक्ता के बयान के बाद। क्योंकि हम आपको यहाँ ये याद दिला दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी यहाँ ना आते, क्योंकि इस टीम में लुंगी एंगड़ी हैं जो कि तेज़ गेंदबाज हैं, इसके अलावा इमरान ताहिर हैं जो कि लेग स्पिनर हैं और उनके लिए थ्रूप का इक्का साबित हुए हैं पिछले कुछ सीजन में, और उसके अलावा फाफ डुप्लेसी हैं बल्लेबाज मध्यक्रम के। और कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ भी एक खिलाड़ी हैं डेविड मिलर जो कि दक्षिण अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं। कागिसो रबाडा की बात करें तो वो भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जो दिल्ली कैपिटल से खेलते हैं। और इसके अलावा डेल स्टेन है आरसीबी के, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, उनके साथ कुछ ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं थी। लेकिन कुल मिलाकर अब सभी खिलाड़ी यहाँ आएंगे और ज़रूर आएंगे और खूब रंग जमाएंगे। और अगर आप उनके फैंस हैं तो ये आपके लिए वास्तव में बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खासकर ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो और भी ज़्यादा खुशी का मौका है, क्योंकि उसके तीनों खिलाड़ी जो बहुत तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं इस आईपीएल में, तीनों इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स जो साउथ अफ्रीका की जो स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन है उसने निलंबित किया था साउथ अफ्रीका क्रिकेट के को, जो कि करप्शन के चार्जेस उस पर लगे हैं और अभी एक महीने का निलंबन उस पर लगा हुआ है, लेकिन इससे खिलाड़ियों की स्थिति में कोई फर्क आने वाला नहीं है, ऐसा आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।